अनेक साइंटिस्ट आए थे, वैज्ञानिक, उन वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से उन्होंने अपने हिसाब से बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो किस में पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ जो है उनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ ये सब। तो इसी में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बर्जीलियस। तो बर्जीलियस नाम का जो साइंटिस्ट आया था उसने सबसे पहले बताया था, ये 1815 में उन्होंने बताया, 1815 में बर्जीलियस नाम का जो साइंटिस्ट था उन्होंने बताया कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और कार्बनिक पदार्थ जो है उनका निर्माण हम बाहर से नहीं कर सकते। ये उन्होंने भी ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ वो पाए जाएंगे, जबकि कृत्रिम माध्यम में कार्बनिक पदार्थों को हम नहीं बना सकते, जिसका उन्होंने एक स्पेशल नाम भी दिया था, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब हो गया यहाँ पर जैव शक्ति सिद्धांत। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो बर्जीलियस हैं उन्होंने 1815 में बताया कि कार्बनिक पदार्थ है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही कार्बनिक पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं, लिविंग प्लांट्स है या मतलब जो भी नॉन जो चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत जीवित रहना है या जो जैविक शक्ति है वो संभव नहीं है, उसके अंतर्गत हम कार्बन पदार्थों को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये धारणा बर्जीलियस ने 1815 में दी थी, जिसके बाद में और जो साइंटिस्ट आए उन्होंने उसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंतर्गत भी क्या हुआ, कार्बन पदार्थों को देखा गया था। तो ये धारणा जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो गई थी, जिसको बोला वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, एक बार फिर बता दो, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत या कृत्रिम माध्यम में हम कार्बनिक पदार्थों को नहीं बना सकते। ये बर्जीलियस ने 1815 में दिया, जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था वोलर नाम का साइंटिस्ट आया था 1828 में। 1828 ईस्वी जो है उसके अंतर्गत वोलर नाम का जो साइंटिस्ट आया उन्होंने बताया कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों को हम जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों को बनाया जा सकता है। तो इनकी बहुत ही बड़ी देन थी, इन्होंने बताया कि जो अकार्बनिक पदार्थ से उन्होंने क्या बनाया, कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बनाया। तो सबसे पहली रिएक्शन जो अकार्बनिक से कार्बनिक थी वो वोलर ने दी थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने क्या लिया, सबसे पहले पोटेशियम साइनेट KCNO, इसको बोलते हैं पोटेशियम साइनेट लिया, और ये पोटेशियम साइनेट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी रिएक्शन इन्होंने करवाई थी अमोनियम सल्फेट के साथ, NS4 का होल टू SO4 अमोनियम सल्फेट। पोटेशियम साइनेट के दो मॉलिक्यूल इन्होंने लिए जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसकी रिएक्शन इन्होंने अमोनियम सल्फेट के साथ करवाई। इन दोनों की जब रिएक्शन आपस में करवाई तो यहाँ से एक पदार्थ बना जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, NH4CNO, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। तो पोटेशियम साइनेट है उससे बन गया अमोनियम साइनेट, ठीक है, और प्लस इसके अलावा जो बाकी निकल गया वो यहाँ पर बन गया था K2SO4 कि यहाँ से वापस निकल गया था। अब यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है अमोनियम साइनेट, इसको अमोनियम साइनेट को वो आगे लेके आए NH4CNO, दो मॉलिक्यूल उसमें से एक मॉलिक्यूल आगे ले लिया और इसको इन्होंने क्या किया, गर्म किया। तो यहाँ से प्राप्त हो गया था NH2C डबल बॉन्ड O N और फिर इसके दो H है वो जुड़ गए NH2। तो सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था जिसका नाम है यूरिया। आप खेतों में काम में लेते हैं यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
तो वॉलर की सबसे बड़ी देन थी, वॉलर साइंटिस्ट की, उन्होंने ही बताया था कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं, जो कि रसायन विज्ञान की एक बहुत बड़ी देन थी। और सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो यूरिया है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, जो कि आप खेतों में काम में लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राप्त हो गया कौन सा, यूरिया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, एक तो मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इसकी खोज कैसे हुई कि नॉन लिविंग जो कंपाउंड्स हैं उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ है वो नहीं पाए जाते हैं, जो लिविंग कंपाउंड्स हैं उनमें ऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो सबसे पहले धारणा थी कृत्रिम मादे में नहीं बनाया जा सकता, जिसके अंदर ब्रिजलिस नाम का साइंटिस्ट आया, उन्होंने 1815 में वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसी में पाए जाते हैं, नॉन लिविंग में नहीं पाए जाते, और कृत्रिम माध्यम में इसको नहीं बनाया जा सकता, जो कि फेल हो गई थी, साइंटिस्ट ने नहीं माना। उसके बाद में वॉलर नाम का साइंटिस्ट आया सन 1828 में, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उन अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट कंपाउंड्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम बना सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था पोटेशियम साइनेट का, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अमोनियम सल्फेट के साथ करवाई, और इसकी रिएक्शन इसके साथ करने के बाद में अमोनियम साइनेट बना, और अमोनियम साइनेट जो है इसको आगे लेके आई, फिर इसको गर्म किया, गर्म करने से यूरिया बना, यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी खोज हुई। तो मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ रहे। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरे बनाए नए नए नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त होते रहें। जब तक आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरे नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास नहीं पहुंचेंगे, चाहे मैं कितनी भी वीडियोस डाल दूं। तो सब्सक्राइब ही करना जरूरी है, उसके पास में बेल आइकन भी दबाना जरूरी है, चाहे वो मेरा चैनल हो या किसी अदर का चैनल हो जिसको आप पसंद करते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।